हेलो माय फ्रेंड्स, कैसे हो आप? आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो गाइज, मैं विशाल और स्वागत है आपका भी के विशाल एक्सपेरिमेंट यूट्यूब चैनल में। तो गाइज, आज की इस वीडियो में हम बनाने वाले एक रिचार्जेबल स्क्रू ड्राइवर, जी हाँ गाइज, जो कि काफ़ी पावरफुल होने वाला है। पावरफुल नहीं मतलब मोबाइल और छोटा छोटा सामान को खोल सकता है। तो चलिए फटाफट से इसका मेकिंग देखते हैं, और आफ्टर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अरे विशाल भाई, एक मिनट रुक जाओ यार, पहले उनसे बोलो सब्सक्राइब करने के लिए यार, वो सब्सक्राइब करेंगे तभी हो सकता है सभी लोग सब्सक्राइब करेंगे। तो फटाफट से, ये भाई तो सब्सक्राइब कर चुके हैं और आपकी बारी है। आप तो फटाफट से जो लाल बटन का है उसे दबा के ऑल पे सेट कर लो, घंटी को ऑल पे सेट कर लो, और सब्सक्राइब को हथौड़ा से मार के फोड़ो। अबे साले, नहीं रे बाबा, नहीं नहीं नहीं, सीधे बोलो भाई, कमेंट करो कैसा वीडियो लगा, इस वीडियो में कमेंट करके बताओ कि आपको ये वीडियो लगा कैसा। मैं जानता हूँ गाइस, तो कैमरा मैन जो बोल रहा है वो फटाफट से कर दो। तो गाइस यार, चलिए फटाफट से चलते हैं अपने स्टूडियो के अंदर और बैठते हैं अपने वर्किंग टेबल पर और वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो फिर चलिए, चल 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 चल, गाड़ी स्टार्ट कर। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो करते स्टार्ट। तो सबसे पहले हमको इस टाइप का एक पाइप लेना होगा, जो कि बिजली फिटिंग के शॉप पे आराम से आपको मिल जाएगा। और गाइस, इसका जो लंबाई है देख सकते हैं, यहाँ पे 6 इंची है, और जो इसका लेंथ है मतलब चौड़ाई 1 इंची है, देख सकते हैं। तो गाइस, उसके बाद हमको लेना होगा कुछ इस टाइप का, देख सकते हैं, एक छोटा सा मतलब इसी का पाइप लिए हैं, और इसको हमको यहाँ पे रख के बढ़िया से निशान लगा के कटिंग कर लेना होगा। तो चलिए मैं फटाफट से पेंसिल से मार्क लगाता हूँ, और इसका मुझे 4 पीस कट करना होगा। तो चलिए मैं फटाफट से कट कर लेता हूँ, देख सकते हो यहाँ पे निशान लग गया। चलिए फटाफट से इसको कट कर देता हूँ। तो गाइस देख सकते हैं, हमने यहाँ पे 4 पीसेस कट कर लिए, और हमने 3 जो है थोड़ा छोटा छोटा पीस कट किया है, और इसमें होल भी कर दिया है, और एक को हमको होल नहीं करना, अभी बाद में हम इसको होल करने वाले हैं, उसके बाद हमको करना होगा। तो गाइस देख सकते हो, तो यहाँ पे जब हम ये पीवीसी की पाइप साट रहे थे, तब मेरा जो कैमरा था वो चालू ही नहीं हुआ था, देख सकते हैं, और हमने इसको चिपका दिया था, तो उसके लिए सॉरी गाइज। देख सकते हैं काफ़ी मस्त तरीके से, लेकिन इसको मैं चिपका दिया हूँ ग्लू गन से भी, और यहाँ फेविकिट से। और ध्यान रहे, इसका जो गियर है उसमें फेविकिट नहीं जाना चाहिए, वरना गियर जो है वो जाम हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा मोटर। उसके बाद हमको यहाँ पर और यहाँ पर 2 वायर जोड़ना होता, चलिए मैं फटाफट से जोड़ देता हूँ। तो चलिए फटाफट से इसमें हम सोल्डिंग कर देते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे हरा कलर का सोल्डिंग कर देंगे, और यहाँ पे हम कर देंगे लाल में पीला कलर को। ऐसे भी कोई माइनस और प्लस इसमें नहीं है, देख सकते हैं काफ़ी मस्त तरीका से हो चुका है। तो गाइस उसके बाद हमको ले लेना होगा पीवीसी की पाइप, देख सकते हैं, और इसमें कुछ बढ़िया से हमको चिप मतलब बैठा देना होगा, देख सकते हैं, और उसके बाद यहाँ पे हमको चिपका देना होगा बढ़िया से। तो चलिए मैं फटाफट से चिपका देता हूँ। तो गाइस यार देख सकते हो, काफ़ी मस्त तरीका से हमने इसको चिपका दिया है, देख सकते हैं, और उसके बाद हमको लेना होगा यहाँ पे लगाने के लिए स्विच। तो देख सकते हो यहाँ पे हमने यहाँ पे ये लिया है स्विच, जो कि 6 लेग है इसमें, तो हमको यहाँ पे क्रॉस और यहाँ पे गुन्ना करना होगा, और यहाँ पे गुन्ना करना होगा, यहाँ पे एक तार लगाना होगा यहाँ पे, और यहाँ पे, और यहाँ पे, और यहाँ पे एक तार लगाना। चलिए फटाफट से इसका कनेक्शन कर लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। तो गाइस यार देख सकते हो, हमने यहाँ पे काफ़ी मस्त तरीका से कर दिया, देख सकते हो यहाँ पे हमने इसका और इसका एक जगह कनेक्शन किया, और इसका देख सकते हो यहाँ पे क्रॉस में हमने कर दिया है। अब ये बीच में से हमको 2 वायर निकालना होगा, तो वो हमारा लग जाएगा यहाँ से, 2 जो मोटर का वायर निकलेगा वो वाला हमको लगा देना होगा, उसमें सोल्डिंग करना होगा। तो चलिए मैं फटाफट से सोल्डिंग को कर देता हूँ। तो यहाँ से देख सकते निकल गया मेरा 2 वायर, अब इसको हमको फटाफट से इस दोनों में सोल्डिंग करना होगा। तो चलिए फटाफट से कर लेते हैं। तो गाइस यार देख सकते हो, हमने काफ़ी मस्त तरीका से इसको सोल्डिंग कर दिया है, उसके बाद हमको करना होगा। तो गाइस उसके बाद हमको देख सकते हो यहाँ पे किट लिए हैं, और इसमें हमको करना होगा बैटरी का कनेक्शन। तो चलिए देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर हमने यहाँ पर लिथियम आयन बैटरी लिया है, तो देख सकते हैं B- और B+ यहाँ पर लिखा होगा, तो उसी में हमको करना होगा। तो चलिए फटाफट से करते हैं। तो जैसे जैसे यहाँ पे हम कर रहे हैं, उसी से आपको भी कर देना है बढ़िया से। तो चलिए मैं फटाफट से कर दे रहा हूँ। तो देख सकते काफ़ी मस्त तरीका से हो चुका है, उसके बाद हमको करना होगा। तो गाइस यार देख सकते हमने काफ़ी मस्त तरीके से कनेक्शन कर दिया है, देख सकते यहाँ पे माइनस को माइनस में,
प्लस को प्लस में और यहाँ से प्लस और माइनस दो वायर हमने निकाल लिया आउटपुट के लिए, तो ये लग जाएगा कुछ इस तरह से। इसमें हमको बढ़िया से लगा देना होगा, तो चलिए मैं फटाफट से लगा देता हूँ। और लगाने के बाद यहाँ से हमको वायर को निकाल देना होगा, तो चलिए मैं फटाफट से निकाल देता हूँ। तो गाइस यार जैसे यहाँ पे देख सकते हैं हम यहाँ पे निकाल रहे हैं, बढ़िया से आपको भी निकाल लेना होगा और ध्यान रहे शॉर्ट सर्किट ना होके। तो चलिए मैं फटाफट से निकाल देता हूँ, आप वीडियो में बने रहे। और उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे और एक यहाँ पे हमको सोल्डिंग करना होगा, तो चलिए फटाफट से सोल्डिंग कर देते हैं। मस्त तरीका से हमने इसको वायरिंग कर दिया है और फटाफट से इसको इसमें घुसाते हैं कुछ इस तरह से। और गाइस देख सकते हो जैसे यहाँ पे चलाएंगे, देख सकते हो चलना स्टार्ट हो चुका है और फॉरवर्ड भी चल रहा है। इसके बाद इसको यहाँ पे चिपकाएंगे और इसको हम यहाँ पे कुछ इस तरह से चिपका देंगे। चलिए मैं फटाफट से इसको चिपका देता हूँ फेविकिट के द्वारा। तो गाइस यार देख सकते हैं जैसे यहाँ पे हम फेविकिट से चिपका रहे हैं, आपको बढ़िया से चिपका देना होगा ग्लू डाल के और चारों तरफ से चिपकाना होगा बढ़िया से। और देख सकते हैं जितना यहाँ पे लेग निकला होगा सबको हमको बढ़िया से काट देना होगा। तो चलिए मैं फटाफट से काट देता हूँ इसको कैंची के द्वारा, आप भी बढ़िया से काट लीजिएगा। और काटने के बाद गाइस सीरेस कागज़ पर घिस के इसको फिनिशिंग कर लेना होगा। तो चलिए मैं फटाफट से कर देता हूँ। तो गाइस जब मेन चीज़ आ गया ये, तो हमको फटाफट से इसमें से निकालना होगा। और देख सकते हैं पहले से हम इसको निकाल दिए हैं, तो इसको कुछ इस तरह से निकाल के उसके बाद हमको इस रिफिल में लगाना होगा। तब इसको अब रखते हैं साइड में इधर और इसको हम देख सकते हैं यहाँ पे लगाना होगा। उससे पहले हमको इसको हमको कुछ इस तरह से काट देना होगा, तो चलिए मैं फटाफट से काट देता हूँ। तो देख सकते हैं काफ़ी मस्त तरीका से ये कट चुका है। उसके बाद हमको इसको कुछ इस तरह से इसमें लगा के और बढ़िया से ठोक देना होगा, इससे कुछ सी चीज़ से आप ठोक सकते हैं इसको। उसके बाद हमको लगा देना होगा, चलिए मैं फटाफट से लगा देता हूँ। तो गाइस उसके बाद हमको कुछ इस तरह से इसमें लगा देना होगा बढ़िया से, और उसके बाद फेविकिट से चिपका देना होगा। और ध्यान रहे पहले इसमें हमको लगाना होगा फेविकिट, उसके बाद से हल्का से इसमें गिरा देना होगा। और ध्यान रहे इसका शाफ्ट में आपको ना जाना चाहिए, उसके बाद इसको आराम से इसमें लगा देना होगा। और गाइस जो मेरा मोबाइल है थोड़ा सा ख़राब हो चुका है, इसलिए वीडियो जो उतना साफ नहीं आ रहा है उसके लिए सॉरी। देख सकते हैं उसके बाद चलने के लिए ये स्टार्ट हो चुका है, और देख सकते हैं उल्टा और सीधा दोनों चलना स्टार्ट हो चुका है। तो गाइस चलिए इसको टेस्ट करते हैं अब। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पे हमने एक पुराना मोबाइल ले लिया, और चलिए फटाफट से इसको हम खोलते हैं लगा के, और देख सकते हैं काफ़ी मस्त तरीका से ये खुल चुका है। चलिए अब कस लेते हैं, देख सकते हैं काफ़ी मस्त तरीका से ये कट भी दे रहा है, और देख सकते हैं रुक नहीं रहा है पर ढीला ढकर हो जा रहा है। तो चलिए इसको अब हम थोड़ा सा चार्ज करके देखते हैं। तो गाइस देख सकते हैं इसमें हम लगाएं चार्जिंग का, तो देख सकते हैं काफ़ी मस्त तरीका से चार्ज हो रहा है। चलिए मैं लाइट को ऑफ करता हूँ, तो देख सकते हैं काफ़ी मस्त तरीका से मतलब ये लाइट कर रहा है। देख सकते हैं यहाँ पे लाल पूरा जल रहा है, और जैसे फुल चार्ज होगा मेरा ब्लू कलर का LED जो है ग्लो करने लगा। चलिए मैं इसको निकालता हूँ, तो देख सकते हैं निकालते निकालते लाइट जो है वो बंद हो चुका है। तो चलिए अब थोड़ा कुछ थोड़ा टेस्ट करते हैं चला के। तो गाइस चलिए फिर इसको हम हल्का सा खोल के टेस्ट करते हैं। तो देख सकते हैं काफ़ी मस्त तरीका से ये खोल दे रहा है। चलिए इसको कस भी दे रही, इसको अब थोड़ा सा हम पेंट कर देते हैं। गाइस देख सकते हैं यहाँ पे इसको लगाने पर कितना मस्त लग रहा है, तो चलिए इसको थोड़ा सा हम कलर कर देते हैं। तो गाइस यार देख सकते हो हमने इसको पेंट कर दिया काफ़ी मस्त तरीका से। अब बताओ देखने में कैसा लग रहा है, लग रहा है ना बिल्कुल मार्केट की तरह देख सकते हैं। और गाइस देख सकते कितना मस्त भी लग रहा है। तो गाइस यार आपको ये वीडियो कैसा लगा, देख सकते हैं स्क्रू ड्राइवर कैसा लगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर देना, और ऐसे ही अमेजिंग वीडियो के लिए सब्सक्राइब का बटन जरूर से सेट कर लेना। तो फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, लव यू दोस्तों।